एस न्यूज। सूबे में बढ़ते अपराध के ग्राफ के चलते सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तमाम एनकाउंटर सूबे में होने के बावजूद अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, जबकि सूबे में चुनाव में भाजपा ने कानून व्यवस्था को ही मुख्य मुद्दा बनाया था। लेकिन योगी सरकार अपराध पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। गत दिन एसपी संतोष कुमार को निलंबित भी किया गया था और नए आईपीएस देवरंजन को जिले में तैनाती दी गई। इस हत्या को नए एसपी को अपराधियों की सलामी माना जा रहा है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के बेहद करीबी पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह के घर के सामने हुई हत्या पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। हत्या के इलाके में पुलिस के अलावा कई थानों की फोर्स भी तैनात की गई है। वारदात की तहरीर पीड़ित परिवार ने पुलिस को दे दी है, जिसमें पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। घटना की बाबत जिले के पुलिस अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया। सूचना मिलते ही आईजी इलाहाबाद रमित शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के साथ ही वारदात के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ से रोहित जायसवाल की एक रिपोर्ट। नहीं, यहाँ जो बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ फायरिंग होती थी, तो उसी शक में जो है कि कोई फायरिंग कर रहा होगा, ये पता करा ले रहे हैं कि सूचना कोई दिया भी गांव का कि नहीं दिया। गांव के लोग अगर ये बात अपने तक रखे तो फिर सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि दूसरा पूर्व यशों ने इनको आगाह भी किया था कि आपकी हत्या हो सकती है। परिवार अब ये बात बताए तो उनकी कहीं सुनी बात नहीं कह सकते। मामला ये पूर्व प्रधान थे मोहली गांव पंचायत के सुरेंद्र सिंह, जो सुनने में आया हम लोगों को रात में कि इनकी 10:15 बजे हत्या हो गई घर पे। ये निमंत्रण खा के कहीं से लौटे थे धान की रोपाई के लिए, पानी लगाने के लिए बगल की मशीन पे बताने गए थे कि मशीन चला देना। वहीं लौटते वक्त इनके दरवाजे के बगल ही उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी पुलिस कार्यवाही फिर संतोषजनक वर्तमान स्थिति के हिसाब से अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है।